पता है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कब होती है? जब हम गोवा, दीघा, मनाली घूमने जाते हैं, मतलब कोई ऐसे पिकनिक टूर पे जाते हैं और हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, और ऐसे में हमें हमारे पूरे लेग्स के, पूरे हैंड के या पूरे हमारे बैक के हेयर रिमूव करने पड़ते हैं, वो भी जल्दीबाजी हमें करना है, तो ऐसे में पार्लर भी जाने का हमारे पास टाइम नहीं है। मान लीजिए हम गोवा घूमने जा रहे हैं, तो गोवा में हमें ऐसे ड्रेसेस पहनने हैं जिसमें कि हमारे बॉडी थोड़े से शो हो, जैसे कि हमारे लेग्स, हमारे दोनों थाइज या हमारे हैंड्स। तो ऐसे में क्या होता है ना कि हमारी जब बाल होते हैं ना हाथों पैरों में, तो लड़कियां थोड़ी सी हिचकिचाती है कि यार कितना गंदा दिख रहा है, कितना अजीब लग रहा है। वही हमारी फुल बॉडी में अगर हेयर रिमूव रहे तो कितना ज्यादा हम खुद में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस फील करते हैं, हमें खुद को लगता है कि हमारी स्किन काफी कितनी सुंदर लग रही है, बहुत ही प्लेन, सॉफ्ट, स्मूथ लग रही है। लेकिन यही हमें प्रॉब्लम ये है कि रोज रोज रेजर कौन यूज करे, रोज रोज वैक्सीन पार्लर जाके कौन इतने पैसे खर्चा करे और उनको मतलब रिमूव करे, ऊपर से पेन, दर्द, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है दर्द। अगर किसी लड़की को बोलो कि चलो घर पे ही मैं तुम्हें वैक्सीन कर देती हूँ, तो सबसे पहले उसके माइंड में आएगा नहीं यार इतना पेन कौन सहेगा, पार्लर वाली दीदी तो फटाफट कर देती है फिर भी, लेकिन इतना पेन कौन सहेगा। तो देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए एक पेन लेस हेयर रिमूवर लेकर के आई हूँ, जैसे कि आप मेरे हाथों में ये देख रहे हैं। तो ये माउंटेनर का हेयर ऑफ हेयर रिमूवल स्प्रे है, एंड मैं बता दूं ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है और इसमें 200 ml आपको प्रोडक्ट मिल जाते हैं, जो कि काफी अच्छा लंबा टाइम चलता है, आपको काफी यूज करने में भी इजी होती है। तो देखिए, पहले सबसे फर्स्टली तो पहले नंबर बात तो हम यूज करते थे, पहले हम वैक्सीन यूज करते थे, फिर धीरे धीरे वैक्सीन कौन इतना ज्यादा कराए, इतना हीट यूज करे, उसके बाद वैक्स करे, हेयर को निकाले, उसके बाद कोल्ड वैक्स निकला, उसके बाद रेजर यूज करना स्टार्ट हो गया, काफी ईजी हो गया, फटाफट से सोप लगाई बॉडी में और रेजर यूज कर रहे, लेकिन उसके कर्ट्स एंड उसके बाद जो थिक हेयर निकलते हैं, मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है थिक हेयर निकलते हैं रेजर यूज करने से। तो फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, कभी कभार वीट का जो क्रीम है वो कितना ही ज्यादा आप यूज करोगे, उसके बाद उसको हाथों से पूरे बॉडी पे अप्लाई करो। सबसे अच्छा है आजकल जो निकल के आ रही है वो है हेयर रिमूवल स्प्रे, ये बहुत ही इजिली, बहुत ही फास्ट काम करता है, प्लस आपके हेयर को बहुत ही कम समय में रिमूव भी करता है, पूरे एकदम अच्छी तरीके से क्लीन करता है और आपको कोई इरिटेशन भी नहीं होती और आपकी स्किन भी स्मूथ लगती है। प्लस मैं बता दूं, ये जो स्पेशली माउंटेनर का हेयर ऑफ हेयर रिमूवल जो स्प्रे है, ये ना बता दूं पैराबेन सल्फेट फ्री है, इसमें कोई भी ऐसे हार्मफुल केमिकल नहीं है जो कि आपके स्किन को इरिटेट करे या आपके स्किन को किसी तरह का नुकसान पहुंचाए। ये डर्मेटोलॉजिकली अगेन ये टेस्टेड है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। ऐसे यहाँ पे तो इसकी MRP बहुत ज्यादा लिखी हुई है, MRP 899 rupees, यानी टोटल 900 rupees लिखी हुई है, लेकिन डोंट वरी, Amazon, Flipkart पे आपको ये कम रेंज में, कम प्राइस में, काफी ज्यादा ऑफर में, छूट में मिल जाएगी, तो आप ये आराम से यूज कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों, ये जो प्रोडक्ट है ये हाल ही में मैंने परचेज किया है। पहली नंबर बात में इसमें सारे इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं आपको कैसे यूज करना है, तो मैं आपको बोलूंगी इसे यूज करने से पहले एक बार पैच टेस्ट जरूर कर ले। इसे ही क्या, कोई भी स्किन से रिलेटेड प्रोडक्ट हो ना, तो आपको रिक्स फटाक से नहीं लेनी चाहिए कि सारी बॉडी में आपने यूज कर ली, मान लीजिए कोई रिएक्शन हो गया तो पूरी बॉडी में हो गई, तो इसीलिए पहले थोड़ा सा पैच टेस्ट कर ले छोटे से एरिया में, जहां आपको लगता है वो एरिया ऐसा है कोई देख नहीं सकता। अब ये मत करना एकदम प्राइवेट पार्ट में, मतलब कोई ऐसे एरिया में जहां पे दिखता नहीं है, विजिबल नहीं होता जल्दी, वहां पे थोड़ा सा स्प्रे करके देखो हल्का सा, यूज करने के बाद फिर उसको मतलब आप वॉश कर लो, उसके बाद 24 आवर्स तक आप चेक करो आपके बॉडी में कोई इरिटेशन, कोई जलन या कोई भी फुंसी कुछ भी ऐसा नहीं निकला है, तो समझ जाओ ये प्रोडक्ट आपको सूट कर गई, आपकी स्किन ने ले लिया है, आप आराम से फुल बॉडी में यूज कर सकते हो। तो इस हेयर स्प्रे का भी मैं यही बोलूंगी, आप पैच टेस्ट का कर ले पहले 24 घंटे तक, पहले लगा ले थोड़े से 10-15 मिनट छोड़ दे, उसके बाद आप वॉश कर ले, उसके बाद 24 घंटे देखे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो आप नेक्स्ट टाइम से आराम से यूज करें इसको, ठीक है। और तो ये हेयर स्प्रे कैसे काम करता है, इसको कैसे यूज करना है, तो देखिए इसमें सबसे पहले बता दें, इसमें सनफ्लावर एंड सिया बटर है जो कि आपके स्किन को स्मूथ बनाता है, एंड अगर आप अपनी स्किन को हेयर रिमूव करने के बाद ऐसे टच करोगे ना, तो ऐसे तो वैक्सीन के बाद या भी कोई भी हेयर रिमूव करने के बाद स्किन तो सॉफ्ट लगती है, लेकिन एक्स्ट्रा सॉफ्ट लगेगी इसे यूज करने के बाद, क्योंकि इसमें आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करने वाली, आपकी स्किन को हील करने वाली भी इंग्रेडिएंट्स वगैरह इसमें है। तो ये बहुत ज्यादा इजी टू यूज है, आपको इरिटेशन फ्री देता है, यानी आपको बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करता आफ्टर वैक्सीन या हेयर रिमूव होने के बाद, आपको ऐसा नहीं लगता स्किन में खुजली हो रही है, जलन हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो चलिए अब मैं बता दूं इसको आपको कैसे यूज करना है। तो देखिए पहले यूज करने से पहले मैंने आपको कहा कि आप पहले पैच टेस्ट कर ले, और चलिए अब पैच टेस्ट आपने कर लिया, आपको सूट कर गया, इसे कैसे यूज करना है, इजी है एकदम। इस बॉटल को आपको थोड़ी सेक करनी है अच्छी तरीके से ताकि मिल जाए, आप देखेंगे इसमें एक आवाज आएगी सेक करने के बाद, ठीक है। तो आप सेक करेंगे बहुत अच्छी तरीके से इसको, उसके बाद अपने स्किन से 5 cm थोड़ा सा दूर रखेंगे स्प्रे का बॉटल को, और उसके बाद आप अपना जहाँ पे भी आपके थिकर हेयर है, हेयर निकालना है आपको, वहां पे आपको इसको यूज करना है अनवांटेड थिकी हेयर को निकालने के लिए। लेकिन आप
इसे आप फेस पे ना यूज करें, आईब्रो में ना यूज करें, मतलब पूरे चेहरे पे आपको यूज नहीं करना है, आपके प्राइवेट पार्ट में आपको यूज नहीं करना है इसको, क्योंकि कितना भी है तो हेयर रिमूव करता है, तो डायरेक्टली आप स्प्रे करोगे कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए आपको फेस पे और अपने प्राइवेट पार्ट में, वी एरिया में आपको यूज नहीं करनी है, अदरवाइज आप इसे यूज कर सकते हैं कहीं पे। तो हेयर को आप रिमूव करने के लिए आप इसे सेक कर लिए, उसके बाद अपने जहाँ पे 5 सेंटीमीटर दूर करके आप इसे आराम से स्प्रे कर लो, जहाँ जहाँ आपको लगाना है वहाँ वहाँ स्प्रे करते जाइए। उसके बाद क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस 10 मिनट तक छोड़ देना है, 10 मिनट तक छोड़ दीजिए। उसके बाद 10 मिनट के बाद यानी कि पूरा निकाल लिया आराम से, नहीं ऐसे नहीं करना है आपको, 10 मिनट के बाद आपको छोटी सी एरिया में हल्का सा आपको हाथों से या फिर कोई क्लॉथ से हल्का सा पोंछ के देखना है कि वहाँ का हेयर निकल रहा है कि नहीं। अगर लग रहा है कि निकल रहा है तब तो ठीक है, अगर नहीं निकल रहा है, आपको लगता नहीं अभी भी थोड़ा टाइम लगेगा, तो 2-3 मिनट एक्स्ट्रा ले लो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे 12 से 13 मिनट तक रखो, उससे ज़्यादा मत स्किन में रखना। रखने के बाद आप क्या कर सकते हो, आप उसके बाद उस एरिया को आप आराम से कोई भी टॉवेल या फिर कोई भी मतलब वेट टॉवेल हो सकता है या फिर वेट वाइप्स हो सकता है, वाइप से आप आराम हमारे जो हेयर है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इसको आप रिमूव करने की कोशिश करें, ठीक है। जिस तरफ हेयर गए उसी तरफ नहीं, ऑपोजिट डायरेक्शन में रिमूव करेंगे ना, तो जड़ से हेयर जो है, जो हमारी जो डेड हो जाती है हेयर, वो हम आराम से स्मूथली निकल जाती है। तो फिर निकल जाती है तो बस वाइप्स कर लिया, उसके बाद आपको चले जाने हैं नहाने के लिए, यानी कि उस एरिया को आपको अच्छे से वॉश कर लेना है। लुक वार्म वाटर से करें तो बहुत अच्छा, हल्का सा गुनगुना वाटर से करें तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो फिर ठंडे पानी से भी कर सकते हो। तो लुक वार्म वाटर से हल्का सा वॉश कर ले, उसके बाद पैड ड्राई कर ले, रगड़ रगड़ के, घस घस के, बिल्कुल भी स्किन को सुखाना नहीं है, बिल्कुल एकदम पैड ड्राई, हल्के हल्के सॉफ्टली टॉवल से आपको करना है। फिर उसके बाद आपका कोई भी बॉडी मॉइस्चराइजर है जो कि इरिटेशन फ्री है, यानी कि जैसे कि उसमें कोई भी केमिकल ना हो। फेसली मैं आपको बोलूंगी बॉडी लोशन में ना थोड़े केमिकल होते हैं, आप बॉडी ऑयल यूज करो, वो बहुत अच्छा होता है। तो कोई भी बॉडी ऑयल, बायो ऑयल है तो वो यूज कर सकते हैं, या कोई भी आपके पास ऑयल है, कोकोनट ऑयल है तो वो यूज कर सकते हैं, आराम से पूरे बॉडी में यूज कर लो आप, ताकि बॉडी जो है मतलब रेडनेस मॉइस्चराइज रहेगी, ड्राइनेस नहीं होगी तो प्रॉब्लम नहीं और ज्यादा नहीं आएगा। तो ये आराम से यूज करें आप, बहुत अच्छा है, बहुत इजीली आप यूज कर सकते हो। इसमें कुछ कुछ जैसे ऐसी चीजें थी, प्रिकॉशन लेने थे, वो मैंने बता दिया आपको, जैसे कि आपको अपने फेस पे, आईज पे, आईब्रो पे, नोज पे, ये सब एरिया में आपको नहीं लगाना है, अपने जेनिटल एरिया में आपको नहीं यूज करना है इसको, ठीक है। अगर आपके कहीं पे बॉडी में स्कार्स है, कहीं पे भी जैसे मूल है या फिर कोई ऐसा मतलब नस दिख रहा है, आप सोच सन बर्न हुआ है, स्पॉट है बहुत ज्यादा स्किन में, तो आप उस सब एरिया में मत यूज करो, क्योंकि वो हमारे इंटरनल पार्ट एरिया से हम कनेक्टेड हो सकते हैं, तो आपकी स्किन के अंदर ना घुस जाए इसीलिए। तो दोस्तों ये छोटी सी वीडियो थी हेयर रिमूवल स्प्रे का, देखा आपने, मैंने हेयर रिमूवल पाउडर आप लोगों के साथ शेयर किया था, बहुत अच्छा होता है हेयर रिमूवल पाउडर, इतना ईजी होता है ना कि मतलब मैं क्या बताऊँ, हेयर रिमूवल क्रीम से काफी बेस्ट है पाउडर। और अगर पाउडर में भी आपको थोड़ी सी झंझट लगती है या थोड़ा सा लगता है कि नहीं यार इससे भी कोई एकदम ईजी वे मिल जाए जिससे कि मेरा हेयर 5 मिनटों में ये हो जाए और बस मुझे कुछ क्रीम एंड उसके साथ स्पैचुला वगैरह लेने की जरूरत ना पड़े, तो आप ये ले सकते हो, ये बहुत इजीली यूज होता है, बस टॉवल रखो और वेट क्लॉथ या फिर कोई भी मॉइस्चराइजर रखो, काम बन जाएगा आपका, बहुत इजीली आप यूज कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, आई लव यू ऑल, बाय।